दोस्तों जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन है रविवार का, मौसम थोड़ा खराब है और मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वर्चुअल कार्यक्रम है लाल कुआ में, वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, तो उसमें मेरी ड्यूटी लगी है, तो मुझे अभी ड्यूटी जा रहा हूँ। और आपको वही मौका मिला तो दिखाऊंगा वहाँ के लाल कुआ में क्या क्या है और किस तरह से वहाँ उद्घाटन हो रहा है, किस तरह से और हम लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, ये सब आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए इस ब्लॉग में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर भी कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पहुंच गए हैं लाल कुआं, हमारे साथ है हमारे दोस्त चंदन। देखिए गाइस, फाइनली हम लाल कुआं स्टेशन आपको दिखाते हैं। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भव्य प्रवेश द्वार। दोस्तों बिना बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो उदास कैसे होगा। बहुत जोश है लाल कुआं वालों में ऐसा सुना था, लेकिन बिना आपकी तालियों के हमें एहसास कैसे होगा। कंजूस नहीं है अब, हम जानते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी का। और नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से आधुनिक सुविधाओं का विस्तार और उन्नयन के कार्यों का नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे। आप सबको ले चलते हैं सीधे वर्चुअल माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास। दूरदर्शी एवं अभिनव दृष्टिकोण से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सतत प्रयत्नशील रेलवे स्टेशनों को पुनः विकसित कर उनका कायाकल्प किया जा रहा है और इसी क्रम में स्टेशनों के पुनः विकास का शिलान्यास करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री श्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का उच्चीकरण करने के संबंध में जो ये वर्चुअल इनॉग्रेशन था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो अब समाप्त हो गया। हमारी ड्यूटी भी लगभग समाप्त हो गई है, हम लोग अपनी ड्यूटी करके वापस जा रहे हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम ज़्यादा पॉलिटिकली इंस्पायर्ड था, पॉलिटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड था। सो ये भी एक नया अनुभव है। खैर, इतने साल की जॉब में हमने बहुत सारी ड्यूटियाँ कर ली हैं, काफ़ी ड्यूटियाँ प्लस हर प्रकार की ड्यूटियाँ, तो आज एक नया एक्सपीरियंस हमें इस ड्यूटी की बदौलत मिला। और
इसका एक ये फायदा रहता है कि हमें हर जगह घूमने को मिल जाता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं अलग अलग जगह अलग अलग तरह के लोगों से मिलने के लिए, मिलने का जो आनंद है वो मिलता है। और एक फायदा है कि आपको जो है पूरे अपने स्टेट या अपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी आप हैं, जहाँ वहाँ के लोगों को जानने का, वहाँ की जो कल्चर है उसको भी देखने सुनने का मौका मिलता है। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी इस यूनिफॉर्म की बदौलत ये सब हम हासिल कर पाते हैं और ये सब हम देख पाते हैं। तो दोस्तों आज का ये मेरा ब्लॉग था, वापस घर को जाने का वक्त हो गया है, अब हम वापस घर जा रहे हैं, मुझे यहाँ से ड्राइव करके जाना पड़ेगा लाल कुआं से। सो मिलते हैं, अब आपसे फिर मुलाकात होती है अगले किसी ब्लॉग में। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक बार आप सभी को फिर से जय हिंद।